एक से बढ़के एक सुपरहिट भोजपुरी फिल्म देखे खातिर डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप। जय हो मैया महाकाली माता की जय, जय हो मैया लक्ष्मी माता की जय, जय हो मैया सरस्वती माता की जय। बच्चा लोगन, आज नवरात्रि के महाअष्टमी के दिन माता पाटन देवी माता के विशेष पूजा में हम नौ देवी के भोग लगा रहल बनी। बोला जग कल्याणी पाटन देवी मैया की। चला शुरू करा बच्चा लोगन, शुरू करा लोगन खा। बटकी चाची, अब पाटन देवी मैया के रोज पूजा करती हैं। आज नवरात्रि के अष्टमी के दिन देवी मैया के भोग लगा के हम लोग को खाना खिला रही हैं। पाटन देवी मैया के बारे में कुछ तो बताइए हमें। ठीक बा, बतावा तनी। जय हो जग कल्याणी पाटन देवी मैया। गुड़िया बिटिया। हाँ चाची। पाटन देवी मैया के महिमा अपरंपार बा। 51 शक्ति पीठों में प्रसिद्ध माता पाटन देवी के कहानी बड़ी रोचक बा। कहल जाला कि माता सती के पिता राजा दक्ष एक विश्व यज्ञ करवा रहे थे और उस यज्ञ के अनुष्ठान में सभी देवी देवताओं को न्योता दिया गया था, लेकिन सती के पति भगवान शंकर को नहीं बुलाया गया, जिससे दुखी होकर माता सती जलते यज्ञ में अपने आप को आहुति दे दी। जब महादेव को इस बात का पता चला तो बेहद क्रोधित हुए और सती के जलते हुए मृत शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड पर चक्कर लगाते हुए घनघोर तांडव करने लगे, जिससे सभी देवी देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास जाकर मानव धरती की रक्षा के लिए विनती करने लगे। सभी की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु जी अपना सुदर्शन चक्र लेकर जलती हुई माता के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए, जो धरती के अलग अलग जगहों पर गिरते गया और जहाँ जहाँ माता सती के शरीर के खंड गिरते गए और वहां वहां शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। जय हो पाटन देवी मैया। बोला बच्चे लोगन जग कल्याणी पाटन देवी मैया की जय। देखा यहाँ तो धर्मशाला बनल बा, पूजा पाठ के नाम पे अनाज लुटावल जा रहल बा। मम्मी, सुबह से हम भूख से मर रहल बानी। तब बड़की मम्मी कहली कि पहले पूजा हुई तबे खाना मिली। अब सुबह पूजा हुई तब खाना मिली, सांझ की आरती हुई तब खाना मिली। मम्मी, ये सब का चल रहल बा? ये तो सब ठीक चल रहल बा। जबले हमार बड़की भौजी चाहिए तबले पूजा पाठ से मन के शांति मिलेला और बड़की भौजी अपने परम शांति के लिए
तब जब पूजा पाठ करे नी। देखा अंजलि कमाई तो हमार मलकिन यानी की हमार पत्नी जरूर बाड़ू, लेकिन घर का असली मालकिन हमार बड़की भौजी बाड़ी। एनाते उनका जेकर मन कही होकर पूजा करी है और हमने को उनके सम्मान करे के बड़ी। आओ चला। अरे बहू जी, का करे तानी बबुआ जी? बच्चे लोग अब जा तू लोग। खुशी चला खाना निकाल जाए। समझ गई? नहीं चला हो ना तो दूसर मालकिनी आ जाई, फिर और एगो पूजा पाठ शुरू हो जाई। खुशी बिटिया तू जा, देवी मैया के मंदिर जाके साफ सफाई कर दा, और अंजलि और मनोज के भी बुला लिया, ठीक बा? का बोली? अंजलि और मनोज, हमार लड़का कबो अपन बनियान तक तो धोबे न करेले, और तू ओकरा से मंदिर के साफ सफाई करवा चाहता रू? अगर अपन लड़कियन के साधु सन्यासी बनावे के ज्यादा शौक बना तो आराम से बनावा, लेकिन हमार लड़का पढ़ रहा बा। वैसे भी घर द्वार के सबरो काम तो हमार मनोज के पापा करें। तू लोग साफ सफाई और खाना भी ना बना सकेलू? बस काम चोरी के नाम पर अपन देवी माई के लेके बैठ जाला। चाची, आज फिर से तू अपन प्यार बरसा रहल बाड़ू। अंजलि मनोज की बखान करे थोकबू, है ना मम्मी? हाना खुशी? समझ गई नी। चाची, तुझे अंजलि और मनोज के खातिर यहाँ पे भाषण देता रू, उनकर पढ़ाई, अब हम दिखा बतानी। मम्मी आप लोग जल्दी जल्दी रेडी हो जाएं पूजा खातिर, ठीक बा? आई आपके दिखा बतानी ना, अब देखी जाए। ये 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 ओए पीछे 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 मार मार मार। तू लोगन की वजह से ऊपरी की बच्ची हमके आज फिर सुना के चल गई। चल तू भी चल, चल चल ना। मनोज के पापा बस बहुत हो गई, कितना बार कहनी बंटवारा कर दी कर दी कर दी और इस झंझट से मुक्ति मिली। खराब हो गए तो इतना मेहनत से ही हमार भैया जवान इतनी बड़ी जायदाद घर द्वार प्रॉपर्टी बना लिया, हमें खाली अलगोल करा दी कि स्वर्गवासी हो गए हमें। एक बात कान खोल के सुन ल, जब तक हमार बड़की भौजी जिंदा बाड़ी तब तक ही घर में बंटवारा करे के बारे में क्यों कल्पना भी ना कर सकेला। भौजी हम कुछ गलत ना कहनी? नहीं बबुआ जी, बाकी रोवा मुंह धो लेना, पूजा के टाइम होता। हम तो तैयार हो गए बनी भौजी। ना पहले पाटन देवी मैया की आरती होगी, ओकरा बाद फिर कुछ। बिल्कुल। चली मम्मी चल खुशी। चाचा चली ना। हां चलो चलो चलो। तैयार हो गए बनी। अब तो हम लोगों के कान उतार दो एक बड़ी, जा जल्दी तैयार हो के आओ। चल। अरे जोगिनिया रे, अरे अरे जोगिनिया रे, जोगिनिया रे, जोगिनिया पिछवा पड़ल बारे जोगिनिया, जोगिनिया रे जोगिनिया। तहार कविता खत्म हो गेल बा, ततलिक दिमाग पे जोर दा। ऊपरी दिन ब दिन हमारे कपारे पे चढ़ रहल बिया, अरे ये घर के मालकिन बनल बिया। इतना बार कहीं नहीं कि कब तक ओकरा के घर पे बिठा के रखब।
कोनो ऊंच नीच खानदान देख के निपटारा करी होकर, लेकिन ना। अरे पुरबहो, हमार बिटिया परी झमेला ना हो, वो लक्ष्मी हो, साक्षात लक्ष्मी। बस करी बस, लक्ष्मी प्या लक्ष्मी। वो जोन तो हर खर्चा चला रहल बिया ना, तो ओकरा वजह से रउआ इतना तारीफ कर रहल बानी। और चिंता मत करी, एक दिन हमार बेटी अंजलि ना कलेक्टर बनी। कलेक्टर अंजलि कलेक्टर बनी कि ना इतना पता है, लेकिन एक दिन तू कलेक्टर जरूर बन जाएगू। ठीक बा, एक काम करा, तो हूँ सोता और महूक सोते था, दिमाग जिन खा हमारा, रोज के तो हर नौटंकी हो गल। सवा चुपचाप अब्बे सिखावत बानी तो के सिलाई कैसे कईल जाला। ये देखा ता खूब सिलाई हो रहल बा। यहाँ घर के लड़का लोग फटल पुराना कपड़ा पहन के घूम रहल बाड़े, लेकिन हमार जेठानी जी माता रानी के चुन्नी सिल रहल बानी। हमार ब्लाउज सिला। छोटकी, कहा कर रहल बाड़ू तू? हाँ? का कर रहल बाड़ू? अबे बताओ तनी। पापुर बहु, तार भक्ति करे वाले आदमी के बारे में नहीं क्या पता? तारा के पता होके के चाहिए। भक्ति करे वाला आदमी जब भक्ति में लीन हो जाला, नहाई खाई उठल सुतल बैठल यहाँ तक कि अपन दुख दर्द भूल जाला। भौजी, पट्टी पढ़ लो कि ना, डॉक्टर के बुलाई ना? ठीक बा। ला चुनरी सिल्ला। ठीक बा, अगर बात ना हो को फरमाइश पूरा कर दिया, अगर टाइम होगी तो तब, न तो कानून जरूरत नहीं है। ऐसे कैसे कानून जरूरत नहीं है? चुप रहिए रवा। चुप, एकदम चुप। जब देखा तब चपड़ 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 वो चलत रहा है। अब तो खुद सिल्ला। हाँ, एकरा सिल्ला के बाद खाना भी तुम्हें खुद बनाने को पड़ी। और एक बात याद रखिया, जिस दिन भौजी और परी बेटी नाराज हो गए ना, वो दिन हमने के बनारस के घाट पे कटोरा लेके भीख मांगे के पड़ी। बाकी एक बात याद रख लिया पूर्व, हमारा रहते ही घर में हमारा भौजी और हमारा दोनों भतीजियन के भैया का कमी महसूस ना होगा के चाहिए, ना तो हमसे बुरा क्यों ना होई। ठीक बा भौजी, परी खातिन बहुत निम्मल लड़का देखले बानी, खूब धूमधाम से ब्याह करल जाई और सजा धजा के बढ़िया से विदाई करल जाई। ठीक रही ना भौजी? बबुआ जी, रवा जैसन उचित समझी। आवा बैठ के सिल लो, ओकरे बाद खाना भी बनावे के बाद। चलो भौजी, आजा बेटा, आजा आजा आजा, चलो बैठा सिया। खुशी, अरे का भेल खुशी? खुशी का भेल तोरा के, काहे रो उतारू? हाँ? हाँ? मम्मी देवी माँ के चुनरी सियत रही। हाँ हाँ, चाची आई छीन के और कैची से हाथ कट गए। चल समझ गई, चल। चाचा जी, चाची। परी जाए दा बिटिया, कुछ मत बोला। मम्मी आप कुछ मत बोली, चुप रही। कहाँ भेल बिटिया? हाँ चाची, ये सब कहाँ हो रहा? हम जानत पानी,
हमार पीठ पीछे यहाँ रोज कौनो न कौनो ड्रामा चलत रहेगा। चाची अगर हम तोरा के अपना समझे नी तो आपके भी हमके अपना समझे के चाहिए ना। खैर आप दोनों हमके पट्टीदार समझे नी। अरे बिटिया ऐसी बात ना हो। अरे बिटिया तू तो हमके सबसे ज्यादा प्यारी हो, इन्हें तुम्हारे ब्याह का दिन बात करता नहीं। ना चाचा अभी हम शादी नहीं की करे चाहत। मम्मी चलिए आप चलिए खुशी अब चल। अरे बड़की दीदिया तू यहाँ बाड़ू, हम कहाँ कहाँ खोज रहल बानी। काहे भैया कौनो काम रहे का। अरे दीदिया तू खुदा इतना काम करेलू, हम का कहब तो से काम खातिर है। मम्मी मामा तो बहुत काम करेले, सवेरे उठ के जानवरन के चारा खियावेले, खेत में जाके खुदाई करेले, बहुत काम करेलन। नहीं बिटिया मामा तो मेहमान बाड़े और मेहमान कैसे ना बोले के चाहे। मेहमान मेहमान मम्मी चार दिन के होखेला, ये कौन सा मेहमान हवन जो यहाँ के बस गयी। ए मामा रुपया थी तुम कब जाओगे। दखली दीदिया अब तोरे घर में हमारी इज्जत बचल बा, एक मिनट ना रहब, फ्लाइट में बैटिंग लेके मुंबई चल जाए सीधे। हो ए परी की बच्ची अब हमार भाई तोके बोझ लाग रहल बा। हाँ? ठीक बा आवे दे मनोज के पापा के, आज तो हिसाब हो के रही। खुशी वो कपड़ा फैलल बा ना, वो कपड़ा उठा ले, बहुत हवा आवता जा। हमार भाई परी ये देख मामा से ऐसे ना बोले के चाहिए। खुशी आ हम कर ले छोड़ दो। आ खुशी अरे 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 दूसरा हाथ दे, दूसरा हाथ दे। चाचा चाचा आ बेटा जान बच गई, भगवान बचा ले न जान। देवी मैया के आभार कृपा बा। हे पटन माई हे बाजी बिटिया के ले चल अंदर, चल 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 हो ले जा ले जा अंदर ले जा। ये सब तोहरे भतार मतलब पाहुन के चक्कर में बच गए। अरे आइबू पुरबहाओ जी जी आओ तनी हम जाओ तनी। मोटका चला रहे शक्तिमान बने, मनवा तो करते वही को उठा के फेंकती। अरे पाहुन लव यू। आहा बहुत बढ़िया बहुत टेस्टी बनल बा दीदी, मजा आ गेल। मुंबई में तो मैं खात रहनी है ब्रेड और ओकरे साथ बढ़िया चैन लगा। ला ये देखा फिर से नाटक शुरू, फिर गिर गई। मरदा मरदा ब्रेकफास्ट समझ गए जाए ऐसे ना 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 ना
आज जो दिन हम छोला का सब्जी बनाने रामू का बड़ा बढ़िया छोला रुक चल फोन मांगा दिया दीदी भैया खबरदार जो फोन लगाई जाए यही के बतिया ले बेटा ले बतिया हेलो हाँ खुशी बोल तू मम्मी के फोन दा मम्मी मम्मी कहाँ भाई खुशी हम आवत हैं मम्मी मम्मी हम अभी आवत हैं मम्मी परी का भाई मम्मी की तबीयत खराब हो गई हम के जाए के पड़ी रुका ना परी हम का कहता नहीं हम हूं तारा साथे चल चल ना ना आप लोग बच्चा की संभाली हम जाते हैं परी सुना ना अरे अरे का हो गया भौजी अरे अरे देखत का पड़े जल्दी उठाओ हां अरे काबिल दे दिया काबिल बड़ की दे दिया के काबिल दे दिया पता ना काबिल आराम से दे दिया दीदी चल 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 अरे मास्टर लाइन आ गई जल्दी कर आ गए हला के तो डॉक्टर साहब अरे देख अरे बिटिया बार गई नहीं कि इतना काम ना करे के चाहिए लेकिन काम अरे हम मर गई नहीं काम परेशान मत हो दीदिया हम जाने लगी तुम बहुत माने लो इनके कब से परेशान हो मम्मी डॉक्टर साहब मैं देखा कुछ ना हुई कुछ ना परी अब इनकरा के आराम करे के जरूरत बा तो चिंता मत दीदी के कुछ ना हो ठीक हो जाएगी डॉक्टर साहब हमें दवाई दी है सब बढ़िया हो जाएगी कितना दवाई दी थे आज ठीक है दी का एक डॉक्टर साहब पियावे खाओ हाँ दवाई जो सॉरी और टाइम से देते रहिए डॉक्टर कितना भाई 400 रुपया हाँ ओके अरे सुनो परी तनिसा आओ हमरा साथ है हाँ 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 भौजी दवाई आ गेल हो अब ठीक हो जेबू डॉक्टर साहब हो गेल ठीक है डॉक्टर साहब हमार मम्मी ठीक तो हो जाई ना परी देखा तू खुद जाने लो कि कैंसर तारा मम्मी के अपना गिरफ्त में जकड़ ले ले और ऐसन कंडीशन में आ गईला के बाद मरीज लाइलाज हो जाला लेकिन तू चिंता ना कर दवाई खियावत रहा और अपना मम्मी खातिर पाटन देवी मैया से प्रार्थना कर पाटन मैया चाहिए तो कुल अच्छा होते चलिए हम आपकी छोड़ देते ना ठीक बा तुझे हम आई के ध्यान रखा भिक्षाम देही भिक्षाम देही ऐसे का देख रहल बानी बाबा कुछ ना भइल हा सुख रोगवा हुआ हा बाबा कौन है ये बाबा हमार मम्मी है निर्मला देवी
लाइलाज बीमारी। इनके कैंसर भइल है बाबा, बहुत डॉक्टर के दिखावनी है पर जानता हूँ। हाँ? कुछ साल पहले इनके पति ने जग कल्याणी माँ पाटन देवी के दरबार में अपने छोटी सुपुत्री के जन्म के समय अमर ज्योति दीप जलाने की मन्नत मांगी थी। मन्नत अधूरी रह गई क्योंकि तेरे पति का स्वर्गवास हो गया। अपने पति की मांगी हुई मन्नत पूरी कर महाप्रसाद खिला। जग कल्याणी माँ पाटन देवी सब भला करेंगे, सब भला करेंगे। भिक्षाम दे, भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। जय पाटन देवी मैया, जय हो, 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 जय पाटन देवी मैया। जोर से बोला जय कल्याणी पाटन देवी मैया की, जोर से बोला जय कल्याणी पाटन देवी मैया की। प्रणाम बाबा, यही चाबी पाटन देवी के मंदिर बाका। मूर्ख लड़की, तोरा साधु सन्यासिन से बात करे के तमीज नहीं खे। यहाँ कहाँ ना बाड़ी पाटन देवी मैया। ये धरती आकाश जल वायु चर अचर हर जगह विद्यमान बाटी पाटन देवी मैया। बाबा हमरा के माफ कर दी, हमके पता ना रहे कि यहाँ पाटन देवी माता के मंदिर है। एहिजा से 1 किलोमीटर ऊंचा पहाड़ पे पाटन देवी मैया विराजमान बानी। जेकर नसीब होला वह पाटन देवी मैया के दर्शन पावेला। जय पाटन देवी मैया। बाबा हमू चले चाहतानी माता के दर्शन करे। सब काम छोड़ के चला देवी माता के दर्शन करे, जिंदगी के सब कष्ट दूर हो जाई। जी बाबा। माता पाटन देवी का नाम जपती रहो लड़की, और हम सब के पीछे चल। जग कल्याणी पाटन देवी मैया की जय। जग कल्याणी पाटन देवी मैया की जय। 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 पाटन देवी मैया की जय हो। बाबा यही जा तो खाली सुनसान पहाड़ी बा बाबा। पाटन देवी माता के मंदिर कहाँ बा बाबा? तोरा के पाटन देवी के दर्शन करावे खातिर ना ले आई बानी, तोरा के पाटन देवी के पास पहुंचावे लेके आई है। अब मोह माया है। Thank you.
पूरा फिल्म देखे खातिर अभी डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।